नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल मल्टीटेक पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अवेकन ओएस रोम के बारे में, जो कि एंड्रॉयड 12L बेस्ड रोम देखने को मिल जाता है हमें, या आप इसे 12.1 भी बोल सकते हैं। काफ़ी एक परफेक्ट रोम ये आपको देखने को मिलता है, जिसको कि मैंने अभी पोको X3 के ऊपर इंस्टॉल किया है। तो इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। उससे पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल मल्टीटेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको, क्योंकि मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। सबसे पहले हम इसके अबाउट सेक्शन की बात कर लें, तो यहाँ पे आपको एंड्रॉयड 12 मेंशन देखने को मिलेगा, लेकिन ये 12.1 है, 12L है, इसमें आपको सारे फीचर उस तरह के मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको शो वही हो रहा होगा। यहाँ पे अवेकन वर्जन आपको इक्लिप्स GApps देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, और एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच आपको 5 अप्रैल 2022 का देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कर्नल आपको स्टॉर्म ब्रेकर देखने को मिल जाएगा। डेली यूज में इस रोम का एक्सपीरियंस काफी बेस्ट निकल के आता है। सिस्टम में आपको जेस्टर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पे कि आपको क्विक टैप जेस्टर का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि परफेक्टली वर्किंग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट परफेक्टली टेक हो जा रहा है। यहाँ पे और भी कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं, उसे यहाँ पे लगा सकते हैं। सिस्टम नेविगेशन में बात करें तो यहाँ पे भी आपको सभी तरह के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे फुल जेस्टर का भी देखने को मिल जाता है ऑप्शन, जिसमें कि नेविगेशन पिल आपका हाइड हो जाएगा और काफ़ी इमर्सिव लुक यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे 2 बटन और 3 बटन भी आपको देखने को मिल जाता है। स्वाइप टू स्क्रीनशॉट वगैरह भी परफेक्टली वर्किंग है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी इजीली यहाँ पे स्क्रीनशॉट इससे भी टेक हो जा रहा है। तो आप कोई भी ऑप्शन को यूज़ करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभी फीचर्स इसमें परफेक्टली वर्किंग है, कोई भी दिक्कत आपको इसमें देखने को नहीं मिलता है। इसके सेटिंग पेज में कोई भी आपको डेडिकेटेड कस्टमाइजेशन के लिए ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। इसमें जितना भी कस्टमाइजेशन आपको डिस्प्ले सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मोनेट इंजन देखने को मिल जाएगा, आइकन सेफ वगैरह देखने को मिल जाएगा, सभी तरह के कस्टमाइजेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। कलर्स वगैरह को चूज करने का ऑप्शन मिल जाएगा, कस्टम भी आप अपना कलर यहाँ पे चूज कर सकते हैं, और डिफ़ॉल्ट भी 3 कलर देखने को मिलते हैं, वो तीनों ही आप लगा सकते हैं। काफ़ी इन्हेंस हो जाता है इससे एक्सपीरियंस। मिनिमम रिफ्रेश रेट, मैक्सिमम रिफ्रेश रेट का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे डिस्प्ले कस्टमाइजेशन में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। बेसिक ऑप्शंस हैं, बेसिक फीचर हैं, जो कि आप यूज़ करेंगे आपके लिए यूजफुल होगा। कोई ज़्यादा इसमें फैंसी फीचर नहीं दिया गया। नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर वगैरह मिल जाता है, जो कि परफेक्टली वर्किंग है। एम्बियंट एज लाइटनिंग वगैरह का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। बेसिकली यहाँ पर सभी यूजफुल फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको एडिशनल डिस्प्ले फीचर्स का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, हाई ब्राइटनेस मोड वगैरह, और हिडन ऐप का भी यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। प्राइवेसी में आपको एज यूजुअल जो एंड्रॉयड 12 में प्राइवेसी डैशबोर्ड वगैरह देखने को मिलता है, वो सारे फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलने वाली। सिक्योरिटी ऑप्शन में आपको यहाँ पे फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों का ही ऑप्शन देखने को मिल जाता है। दोनों ही परफेक्टली वर्किंग है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फिंगरप्रिंट भी परफेक्टली वर्किंग है, और यहाँ पे फेस अनलॉक भी परफेक्टली वर्किंग आपको देखने को मिल जाता है। आप दोनों पे रिलाई कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको इन दोनों में देखने को नहीं मिलेगी। बैटरी बैकअप इस रोम का काफ़ी सही देखने को मिल जाता है। नॉर्मल यूजेज में आप इसे 2 दिन प्लस यूज कर सकते हैं। अगर आप गेमिंग करते हैं तो ये आपका 1.5 डेज चल जाएगा, उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं देखने को नहीं मिलने वाली है। मैंने इसमें BGMI वगैरह भी खेल के देखा हुआ है, तो इसका भी जो परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा वो ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ इसका क्लिप्स। यहाँ पे आपको स्मूथ में अल्ट्रा तक का और बैलेंस में अल्ट्रा तक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। HD में आपको सिर्फ हाई तक का ऑप्शन मिलता है, इसके आगे कोई भी अनलॉक नहीं है ग्राफिक। इस रोम में आपको अपडेटर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसके आने वाले लेटेस्ट अपडेट्स को आप यहीं से इंस्टॉल कर पाएंगे डायरेक्टली। होम स्क्रीन में आपको यहाँ पे एंड्रॉयड 12L वाला यहाँ पे लुक देखने को मिल जाता है। यहाँ पे UI आपको उस तरह का देखने को मिल जाता है, जहाँ से कि आप वॉलपेपर वगैरह को चेंज कर सकते हैं। रिसेंटली आपने जो भी वॉलपेपर यूज किया होगा वो यहाँ पर आपको शो होगा, और डायरेक्टली आप यहाँ से
चेंज कर पाएंगे और काफ़ी इजीली ये चेंज भी हो जाता है। काफ़ी ये अच्छा लुक भी प्रोवाइड करता है, काफ़ी मिनिमल ये देखने में लगता है, काफ़ी बेस्ट लुक। डेफिनेटली मुझे ये लुक पसंद आ रहा है एंड्रॉयड 12L का। यहाँ पे जो आपको लॉन्चर देखने को मिला है वो पिक्सल लॉन्चर ही देखने को मिला है, लेकिन ये काफ़ी स्मूथ है यहाँ पे, लेकिन कोई भी कस्टमाइजेशन आपको एक्स्ट्रा देखने को नहीं मिलता है, जो कि इसका एक ड्रॉबैक रहता है। गीक बेंच स्कोर इसका काफ़ी सही आया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 506 सिंगल कोर में 1544 मल्टी कोर में देखने को मिला है, जो कि काफ़ी बेस्ट है। ऑलमोस्ट यही स्कोर निकल के आता है पोको X3 के ऊपर, तो इसे हम बेस्ट मान सकते हैं। इसके थर्मल थ्रॉटलिंग की बात करें तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफ काफ़ी स्टेबल है, मैक्सिमम 153, एवरेज 151 और मिनिमम 142 आपको देखने को मिला, और साथ ही यहाँ पे कोई भी CPU थ्रॉटलिंग डिटेक्ट नहीं हुआ। काफ़ी बेस्ट इसका यहाँ पे ग्राफ निकल के आया, काफ़ी स्टेबल है ये। डेली यूजेज में भी ये आपको पता चलेगा काफ़ी स्मूथ रोम है, ज़्यादा हीटिंग इशू आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। ओवरऑल एक काफ़ी अच्छा ये रोम देखने को हमें मिलता है। इस रोम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसे इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। इसके DRM इन्फो की बात करें तो यहां पे आपको वाइड वाइन L1 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वीडियो स्ट्रीमिंग में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी इस रोम में, काफ़ी एक अच्छी बात निकल के आती है इस रोम का। यहां पे आपको डिवाइस इज नॉट सर्टिफाइड देखने को मिलेगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि आपको इसे फिक्स करना पड़े। हालांकि ये काफ़ी आसानी से फिक्स हो भी जाता है मैजिक्स के ज़रिए, तो आप इसे फिक्स कर सकते हैं और बैंकिंग ऐप वगैरह को यूज कर सकते हैं। हालांकि ऐप वगैरह डाउनलोड करने में इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि इसमें डिवाइसेस नॉट सर्टिफाइड आता है प्ले प्रोटेक्शन में। अब हम देख लें इसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस को, तो उसके लिए सबसे पहले हम रिकवरी मोड में बूट कर लेंगे अपने डिवाइस को। आप वॉल्यूम अप और पावर की को भी होल्ड करके कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्टली ही कर ले रहा हूँ, आप जैसे चाहें वैसे बूट कर सकते हैं। रिकवरी मोड में बूट हो जाने के बाद सबसे पहले हम इसके वाइप सेक्शन में चले जाएँगे। एडवांस वाइप में डेल वी कैच और डेटा को सेलेक्ट करके स्वाइप टू वाइप कर लेंगे। वाइप कंप्लीट होने के बाद इंस्टॉल में जाएंगे। अगर आपका इनक्रिप्टेड है तो आप USB OTG या microSD कार्ड कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, जो भी आप यूज करना चाहें। उसके बाद वहां से आप डायरेक्टली फाइल को सेलेक्ट स्वाइप टू इंस्टॉल करके उसके बाद आप फॉर्मेट डेटा को यस लिख के रिबूट टू सिस्टम कर दीजिएगा। उसके बाद आपके डिवाइस में परफेक्टली रोम इंस्टॉल हो जाएगा और उसे इंजॉय कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चल सके इस रोम के बारे में। और साथ ही इस चैनल पर अपना सपोर्ट दिखाएं, इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।